हेलो यूट्यूब। सो आज मैं बात करूंगा कि जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो कैसा फील होता है। मतलब ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पे बताऊंगा, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। मुझे कई बार इलेक्ट्रिक शॉक लगा, ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी कि मैं बार बार बच गया। बट अब जब भी मुझे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई काम करना होता है तो मैं बड़ा सेफली करता हूँ। कई सारे सेफ्टी इक्विपमेंट लगाता हूँ ताकि मतलब शॉक ना लगे दोबारा। जब मेरा हाथ पूरी तरीके से ड्राई होता है तो मैं मैक्सिमम 80 वोल्ट एसी करंट को मतलब झेल सकता हूँ। 80 वोल्ट के बाद चीज़ें वियर्ड होने लगती है, लाइक शॉक तो पहले लगता ही है, दूसरा नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। जिस जगह आप वायर को पकड़े रहते हैं उस जगह मतलब सुन्न पड़ जाता है आपका हाथ, या फिर कोई भी अंग जिससे आप पकड़े हैं वायर को। आप चाहते तो हैं कि अगर आपका हाथ चिपका हुआ है वायर से तो छुड़ाएं, बट आप छुड़ा नहीं पाते क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। नेक्स्ट जो होता है वो आपका मतलब आपको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, मतलब हद से ज़्यादा पेन होने लगता है। वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पेन भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट थिंग जो होता है वो है कि आप घबरा जाते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद आपका दिमाग सही से काम नहीं करता। सो अगर आपको कभी इलेक्ट्रिक शॉक लगे तो पहले तो घबराइए नहीं, उसके बाद जो आपका हाथ वायर से चिपका हुआ है उसको तो छोड़ दीजिए क्योंकि वो वैसे भी नहीं हिलने वाला। लेकिन जो हाथ आपका फ्री है आप उसे किसी और चीज़ को पकड़ के अपने आप को खींचने की कोशिश कीजिए ताकि आप अपने आप को बचा सकें। मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया है, इलेक्ट्रिक शॉक आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से लगता है, ना कि इलेक्ट्रिक करंट के वजह से। एज़ फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई ट्रांसफार्मर है जो कि 12 वोल्ट का है लेकिन वो 30 एम्पियर आउटपुट देता है, जो कि बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप उसके टर्मिनल्स को टच करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। बट अगर आपके पास कोई 220 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है लेकिन वो उसमें करंट बहुत कम है, तो अगर आप उसे टच करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक पक्का लगेगा। एट लास्ट, thank you for watching this video.